भक्ति था गाय मैया। ओए सिंह का चल यार। अच्छा है, कम से कम आपकी जुबान पे गुरुजी का नाम तो आया। फालतू बकवाद करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी देर तक पूछी मैं तो उतनी बात का उत्तर दे दे। किंग आता लिया तुम भाई, आज अपने गांव में पुस्तक सेवा है गुरुजियों की, तो पुस्तक सेवा में जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत घर का काम भी देख लिया करियो, सारी ना पुस्तक सेवा पुस्तक सेवा। आश्रम में बढ़िया रहे, ये सिखाऊंगे थारे पुत्र जी, घर का काम भी करा करा मानस अपना। आप बोलो भैया, आपको क्या काम है? आज है नौमी और वह कन्या बुला रहे कि मेरे भाई, वह दादी ने अपना सामान सामान तैयार कर दिया खाने पीने का, और वह जिम्मेवार लग गया था और थोड़ी अंदर मुआदे कर देता है ना, थोड़ी बहुत सेवा हो जी कमाने थोड़ा बहुत। ठीक है, नवरात्रि है, लास्ट दिन आज नौमी का, इतना तो कम तक कम कर दे, अगले भी सारे गुरुजन मना कर रखी है। देख भाई, मेरा इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? और वैसे भी ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो है नहीं, उस एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। आप जो कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इसका ज्ञान कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं मिलता, इसकी नॉलेज कहीं भी शास्त्रों में नहीं मिलती। मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करनी और मैं जा रहा हूँ। चले जा भाई, मतलब का हाथ तो चले जा मेरे भाई, तो रोया भी गया तो काम का यार तो बढ़िया करके किस सीखा होगा तू? पूर्ण परमात्मा तेरे, पूर्ण परमात्मा नहीं पूरे तेरे, शास्त्र नहीं पूरे उन तेरे, तो चले जा भाई, जा चले जा। ठीक है भाई, मैं जा रहा, चले जा। रास रात तेरा गर्मा ना बढ़ती है रे। ताऊ जी, हम ना एक धार्मिक पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और इसमें ना सभी शास्त्रों से प्रमाणित ये पुस्तक है। इसमें चार वेद हैं, शास्त्र 18 पुराण, पर इसमें सृष्टि रचना इसके अंदर दे रखी है। और 20 रुपए की खगोल ज्यादा बोले, सिर्फ इसका 20 रुपए है। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा हो, पढ़े लिखे हो, अगर मैं कोई आप अनपढ़ हो, बड़ा फोन तो होगा आपके पास, चैनल सब्सक्राइब करा दो, हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो। हाँ ठीक है, करके दे इसने चैनल सब्सक्राइब, यूट्यूब खोल लो आप। ने खोल दिया, खोल दिया, रख लियो, जरूर सुनियो इसने, है ना? संतराम पाजी महाराज का बहुत प्रमाणित ज्ञान है, बढ़िया ज्ञान। अरे राम राम भाई, सुनिए को भाई। राम राम बहन। भाई एक धार्मिक पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं हम संतराम पाली महाराज के से, तो आज आपके गांव में इतने पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, तो ये ज्ञान पुस्तक, ज्ञान गंगा किताब है हमारी, तो इसमें सभी शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है, वरी देखो। अरे क्या गीता की भाई जी ने की राह, तीन पुस्तकें हमारे पास। सच्चाई बहन जी, सच्चाई भाई, सच्चाई। मैंने भी संतराम पाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ जी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। और घर का तभी समझाया करो कि कुछ थोड़ा बहुत है। बस क्या करूं, घर वाले मानते ही नहीं है। अच्छा, पिताजी के गुजरने के बाद अब बड़े भाई हैं घर में। अच्छा, लेकिन वो तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार करने की बिल्कुल भी वो नहीं है उनके मन में इच्छा। चलो हम चल आपके साथ है, आपके घर आपसे भाई, आपके भाई से मिलेंगे, समझाएंगे। तो उनसे मिलवा सकते तो हमें मिलवा दो, माई पता गुरुजी की दया हो ही जावे। ये पता नहीं चलता भाई कौन सी बात समझ में आ जाए किस टाइम परमात्मा। बहन जी कोई फायदा नहीं है उनको समझाने का, वैसे भी नवरात्रे हैं और आज उन्होंने कन्याओं को भोजन करवाना है, पता नहीं वो क्या क्या मतलब पाखंड करते रहते हैं घर में। अरे कोई बात नहीं, एक बार आप मिलवाओ हमारे दूसरे के, पता उनके समझ में आ जाए। आई होप सो। आज आज अल्लाह दादी वो कलश तो उठा कर ना मंदिर में धरया, ठीक है। हाँ हरी मुंह ला लिया, वो जोत ला लियो, और तुरती कर लियो फिर। तेरे
लड़की तेरे काम की भाई बहन काम देखना बड़े भाई क्या करते हो। देखेंगे भाई तेरे भाई ते मिलना हाथ राम राम भाई आए थम पेरा गी आडे और भाई आना तो पड़ेगा हमने तो बेबे आज है नोमी थम ये बेल आया नो तो नो रात्रे लाग रे सो पूरा चले आया करो बे मई बाजे मूड खराब ना करो मेरा आज अरे भगत हो का भगत का मूड की सा खराब हम भी तो भगवान की आत्मा है हम अपने जान ले जाना है हम कोने भगत है और क्यों कर कोने हम भगत कोने एक मिनट हमारे पास प्रमाण दिया ना आपके पास के प्रमाण है कहां पे प्रमाण है कि भी देवी की पूजा करनी चाहिए दुर्गा में कहीं पे लिखा है देवी नौ दिन हो गए इसे नौ दिन नौ माह दिन हो गया तेरा बुखार अंदर रहन दे लिख रखा है कि तो देवी भागवत पुराण में आप थोड़ा सा हमें समय दो हम इतने दूर तक पैर उठा आए हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा भाई आप शांत हो जाओ इनको मैंने बुलाया तू थोड़ा के ऊपर आप समझने की कोशिश करो आप एक बार परमात्मा का ज्ञान पांच मिनट छोटा भाई हम आपकी बड़ी बहन है अरे इतना पढ़ा लिखा बाहर तो पढ़कर मारी तो सुन दो दस मिनट के आरती रही बाहर बैठा फिर देखूंगा भाई कोई बात नहीं आप जरूर ठीक है भाई तू आरती कर थोड़ा आरती जाओ देवी मारी हे मेरी देवी हो नाराज हो बना गई हो दादी होगी रोटी तैयार है रोटी तैयार सब आई लल्ला तो कर देता दे ला जय माता दी जय माता दी जय माता दी ले थोड़ी खीर और ले ले आऊंगी पकड़ खा लो खा लो देवी मैयो खाओ जय माता दी खाली ना दे थोड़ी खीर ला भाई ले और लेनी है ना बस रोटी दे देना अच्छा बेबी ना खा ले बे देवी मैया
हाँ मिले आरती होली है छोरी जमा दी है बताओ तुम क्या करे थे सुन भाई दे भाई तो जो तने नवरात्र करे है हाँ। नौ दिन तन भूखा मरिया है देवी भागवत पुराण अपनी जो मान्य शास्त्र है जिसके आधार पे सारा सब कुछ तो नवरात्र कर रहा था उसमें कहीं पहले लिख रखा है भाई नवरात्र के बारे में ये कन्या जमानी चाहिए हर पट्टी रहना चाहिए वह तो खुद अपने से दूसरे की भक्ति के लिए करने के लिए बोल रहे हो तो खुद अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हो। एक बात बता मारे बड़े दादा कर दे रहे थे आज तक वो नहीं शुरू तो कर दे रहे है क्यों ना कोने किताब भाई मैं तो उन अक्षर ज्ञान को नहीं था और शास्त्र तो अपने सदा के रखे उड़े है ये मतलब इतने मनसा ना किसी ने ठाके कौन देखी उन ना भाई अक्षर ज्ञान नहीं था देवी पुराण में भगवत जो अपनी देवी पुराण है ना उसके स्कंद 6 के पृष्ठ 414 में साफ मना कर रखा है और उसमें ये भी लिख रखा है जो रक्ष जो सतयुग के राक्षस थे ना वो कलयुग के ब्राह्मण है और 123 पृष्ठ पर भी बता रखे साफ साफ ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी जन्म मृत्यु बता रखे दुर्गा ने खूब माता पूजा करवा रहे हैं ना यो एक पाखंड है एक ढोंग है रोजी रोटी का नयो साधन चला रहा है ये बताओ ये भी अभी कह रही के ब्रह्मा विष्णु महेश मर है ठीक है दुर्गा की तुम इतने समझदार हो गए तुम बड़ी बात क्यों करोगे भाई ये जो देवी भागवत पुराण है ना अपने उसमें 123 प्रश्न बिल्कुल साफ लिख रखा है देवी जो अपनी देवी दुर्गा है ये खुद मना करी अपनी भक्ति के लिए इसने तो यहाँ तक भी बोल रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भी मृत्यु में है जन्म मृत्यु में और ये खुद भी जन्म मृत्यु में है इसके ऊपर भी कोई देवता है और उसके ऊपर भी कोई देवता है ये तो खुद मना करी अपनी भक्ति के लिए फिर आप जबरदस्ती इसकी भक्ति क्यों कर रहे हो ये तो मना कर रही है देखो ये दिखाओगी फोन में प्रमाण देव भागवत में भी बता रखा है स्कंद 3 के अध्याय 4 के श्लोक 42 में साफ साफ लिख रखा है उसने कि तुम जगत जननी हो तुम सत स्वरूपा हो तुम्हारी तुम इसे हमारा जन्म हुआ है तो उसका जन्म उनका जन्म मरण तो है भाई उन्होंने खुद लिख रखा उसमें खुद स्वीकार करना हमारी बात स्वीकार करते तो भाई आप फोन में देखो नहीं भाई मानना पड़ेगा माने दूसरे सच्चाई है ये तो भाई सच्चाई तो माननी पड़ेगी कोई निकार नकार नहीं सकते आप कुछ शिक्षित आ सकते हो चलो आपके दादा परदादा तो भाई नु दिया था तुम मेरे पास चलाने खाते आप इनकी बात सुनने की कोशिश तो करो एक बार क्या समझो बता देखो सुनो आप देखो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी क्या संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो आप देखो ये देखो आप धैर्य से सत्संग सुनो जी महाराज जी ने श्रीमद देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट करके दिखाया कि देवी दुर्गा अपनी पूजा के विषय में क्या कह रही है आप भी सुनिए वो विचार ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने दूसरी सब बातों को छोड़ दे यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है यहां देखो इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो ब्रह्म ओम ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सब की पूजा छोड़ दो और वो ब्रह्म कहां रहता है उसका ओम नाम है वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है ये ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है तो ये थे देवी दुर्गा जी के विचार जिसमें वे अपनी पूजा करने को मना करते हुए ब्रह्म की पूजा करने को कह रही है और इस छोटी सी वीडियो से देवी दुर्गा जी की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि देवी दुर्गा स्वयं अपनी पूजा करने के लिए साधकों को मना करती है वह ब्रह्म जिसे काल ज्योति निरंजन कहते हैं उनको पूज्य इष्ट देव बताते हुए उनकी पूजा करने को कह रही है ये वही काल ब्रह्म है जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गीता जी का ज्ञान दिया गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है मैं काल हूँ और मैं अब प्रविष्ट हुआ हूँ दर्शकों इसे काल स्वरूपी ब्रह्म भी कहा जाता है देवी दुर्गा जी देवी पुराण में ब्रह्म को पूज्य बता रही है और जबकि ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में अपनी पूजा को भी अनुत्तम बता रहा है तथा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म और
अर्जुन को अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, जिसकी शरण में जाने से साधक शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। देवी पुराण और गीता जी से स्पष्ट हुआ कि देवी दुर्गा की पूजा करना व्यर्थ है। दर्शकों, इसके बाद जब हमने वेदों को जांचा, लेकिन वेदों में भी हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जहां देवी दुर्गा जी की पूजा का समर्थन मिलता हो। वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा। वेदों में कहीं भी माता दुर्गा की पूजा का समर्थन नहीं मिला, जिससे ये सिद्ध होता है कि दुर्गा माता की पूजा करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसके अलावा जो लोग नवरात्रि या कोई और भी व्रत रखते हैं, उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में ये प्रमाण भी मिलता है कि व्रत करने वाले की योग साधना कभी सफल नहीं हो सकती, उनकी गति संभव नहीं है। और इसीलिए देवी दुर्गा जी की पूजा न करके शास्त्रों के अनुसार अपनी भक्ति साधना करना उत्तम है, जिससे देवी माँ प्रसन्न होती है। और वर्तमान में वो वास्तविक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही प्रदान कर रहे हैं, जो सिर्फ दुर्गा माता को ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर देगा। संत गरीबदास जी महाराज जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। कहते हैं, जहाँ देवी दुर्गा का जागरण होता है, उसकी संगत में पूरा नगर डूब जाता है। देखा देखी धीरे धीरे अपने घरों पर जागरण आदि कराते हैं और सभी दुर्गा जी की शास्त्र विरुद्ध पूजा में आरूढ़ हो जाते हैं, जिससे उनका मोक्ष नहीं हो पाता। दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्हों का आग्रह, ए जी मारा भी कर दियो तड़के, मारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों, देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। और उठ के सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने और सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार एक इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था, एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भक्त थे, उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहाँ दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा है वहाँ जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा गर्मियों के दिन थे। तो वहाँ शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। ए वो तो एक बहनों कह दे, मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला, आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे, वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया, तो फिर दूसरी वो कनात के सारा के देखे के कर रहे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक अद्धा बोतल उसका शराब का दराज में थे, और वहाँ कैंपा खोली गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला, पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा के जब। अब परमात्मा कहते हैं, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। प्रिय दर्शकों, आज के अंक में हमने पाया कि देवी दुर्गा जी की पूजा नवरात्रि आदि के लिए ना तो हमारे धार्मिक सदग्रंथों से कोई समर्थन मिलता है, व ना ही परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से। और देवी पुराण में भी देवी दुर्गा अपनी पूजा करने को मना कर रही है, तो फिर नवरात्रि आदि करना अपना मानव जीवन बर्बाद करना ही है। अतः आप सभी से करवट प्रार्थना है कि वास्तविक पूजा की जानकारी प्राप्त करने व शास्त्र अनुसार भक्ति की जानकारी पाने के लिए पूर्ण गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने व उन पर अमल करके अपना जीवन धन्य करें।